नमस्कार, मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है यात्राएं, लेकिन हम बात करेंगे इनसे बनने वाले माहौल की। शिवराज सरकार एक बार फिर विकास यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्राएं मिशन 2023 का लक्ष्य हासिल करने के इरादे से निकाली जा रही हैं। 5 फरवरी को संत रविदास की जयंती से इसका श्री गणेश करने के पीछे भी मकसद है। बीजेपी सरकार एक बार फिर अनुसूचित जाति के मतदाताओं को संदेश देकर साधना चाहती है, क्योंकि इस वर्ग की मध्य प्रदेश में जनसंख्या 16% के करीब है। कहा भी जाता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता की कुंजी आदिवासी, ओबीसी और दलितों के हाथ में, और मोदी शिवराज सरकार की योजनाओं के ज्यादातर हितग्राही इन्हीं वर्ग से आते हैं। इसलिए यात्रा के दौरान जन कल्याण के कार्यों का लोकार्पण होगा और जिनको योजनाओं का लाभ मिला है उनसे संपर्क साधा जाएगा। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी चाहे कोई भी यात्रा करे उसकी सरकार का जाना तय है, लेकिन सवाल यह है क्या विकास यात्राएं बीजेपी के लिए लक्ष्य हासिल करने में मील का पत्थर साबित होंगी, और कांग्रेस इन यात्राओं का जवाब देने के लिए क्या कदम उठाएगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए हैं। पार्टी आलाकमान ने सभी 9 राज्यों में भाजपा सरकार बनाने का टास्क दिया है, इसलिए दिल्ली से लौटते ही शिवराज ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, और बैठक में मंत्रियों को 5 फरवरी से निकाली जा रही विकास यात्राओं को सफल बनाने का टारगेट दिया। शिवराज ने मंत्रियों से कहा कि विकास यात्राओं से पहले अपने क्षेत्र का दौरा अवश्य करें। ये विकास यात्राएं 1 फरवरी से शुरू होने वाली थी, लेकिन अनुसूचित जाति के वोट बैंक को साधने के लिए ये अभियान संत रविदास जयंती से प्रारंभ किया जा रहा है। विकास यात्राओं का अधिकृत समय 15 दिन का है, लेकिन जरूरत के अनुसार 5 दिन बढ़ाया जा सकता है। विकास यात्रा के दौरान शिवराज और मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया जाएगा। इसके साथ ही जिन योजनाओं पर कमलनाथ के 15 माह के कार्यकाल में ब्रेक लग गया था उनके बारे में जनता को बताया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इन यात्राओं के समापन पर साधारण कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी अलग अलग जिलों में होगा। पार्टी अब आने वाले समय में हो सकता है कि इस यात्रा के समापन भी हमारे जो साधारण सदस्य हैं उनका एक सम्मेलन पूरे प्रदेश में अपनी अपनी विधानसभा में यात्रा के दरमियान आयोजित। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वर्ग को लुभाने के लिए रविदास जयंती से निकाली जा रही भाजपा की विकास यात्राओं पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग के साथ छल किया है, अब साधने की कोशिश हो रही है, इसलिए ऐसी यात्राओं से कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, आज सब जानते हैं कि साधने के लिए ये काम किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति की जुबान पे है कि बीजेपी साधने के लिए ऐसे काम कर रही है, चाहे वो हमारे दलित भाई बहन हो, चाहे आदिवासी भाई बहन हो, चाहे कोई भी सामान्य वर्ग के साथी हो, ओबीसी वर्ग के साथी हो, अल्पसंख्यक वर्ग के साथी हो, सबको भाजपा ने ठगा है। और ठगने के बाद अगर भाजपा एक दिखावे के लिए यात्रा निकाल भी लेगी या कोई कार्यक्रम मना भी लेगी, त्यौहार मना भी लेगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जनता उधार बैठी हुई इनका कार्यक्रम बनाने के लिए, कार्यक्रम बनाया हुआ जनता ने विपक्ष में भेजने का, इनको सत्ता से बाहर निकालने का। इनको 2018 ज़्यादा प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हर वर्ग का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अगर जनता के जो बदहाली है उस पर कुछ अच्छे काम करने के लिए, उसके उनके हालात सुधारने का काम करती तो शायद जमानतें बच जाती, पर ये दिखावे और इवेंटबाजी, ये पैसा खर्च करने से अब जमानतें भी नहीं बची। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसके साथ ही हर अवसर को भुनाने की कोशिश भी करती है। विकास यात्राओं का शुभारंभ संत रविदास जयंती पर करके भाजपा ने अनुसूचित जाति वर्ग के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। कांग्रेस भी अलग अलग वर्ग का सम्मेलन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजू मालवीय, बीजेपी नेता, अविनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता हैं, देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजू जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने अभी सुना किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, हर वर्ग के साथ छल किया है आपने, जनता ने आपको विपक्ष में बिठाने का कार्यक्रम बना लिया है, कितनी भी यात्राएं निकाल लीजिए कुछ नहीं होने वाला। ब्रजेश भैया, जिनके पास कुछ नहीं होता वो केवल गाल बजाते हैं। जनता के आशीर्वाद से आज हम जिस भूमिका में हैं, उस भूमिका में लगातार हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और पिछले अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं। जब हम जीतते हैं तो आगे के काम में लगते हैं, और अगर कहीं किसी कारण से हम चूकते हैं
तो हम उसकी समीक्षा भी करते हैं और दुगनी ताकत के साथ फिर मेहनत। जी राजू, हमारी तैयारी चलती है और पांचों वर्ष हमारे कार्यक्रम चलते हैं, इसलिए अभी मेरे भाई बहुत ही तीव्रता से जो हफीज की बात कर रहे थे, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि हफीज भाई और उनकी पूरी की पूरी टीम मीडिया पे आके जितनी ताकत के साथ बात करती है, जाकर भी उतनी ताकत के साथ बात करे, तो कम से कम सक्षम विपक्ष की भूमिका में तो वे आ ही सकते हैं, परंतु उन्हें कुछ करना तो चाहिए। और अगर करना, मतलब आप भी मान रही है ना कि सक्षम विपक्ष तो में आ ही सकते हैं, वो मतलब ताकतवर तो हैं। नहीं, काम करे तो, काम करते ही नहीं ना, वहां तो जनेऊ पहना जाता है, तो जब चुनावी वातावरण आता है तब पहना जाता है, तब वो एक हिंदू बन जाते हैं, दूसरी तरफ वे मुगल बन जाते हैं, तीसरी तरफ वे। ठीक है, मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी है, आप की आवाज़ बार बार रुक रही है, मैं लौटूंगा आपके पास राजू जी। अभिनव जी से ही जवाब ले लेता हूँ, कुछ खामी है उसको भी दुरुस्त करवाने की मैं अपनी टीम से कहूँगा, आपकी आवाज़ कट कर आ रही है। अभिनव जी, कुछ करते तो है नहीं है, सक्षम विपक्ष में कैसे आएंगे और आपके कहने से क्या हो जाता है? वो तो पूरे 5 साल कह रहे हैं मेहनत करते हैं हम, यदि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उनसे सुधार लेते हैं, सबक लेते हैं, दोगुनी ताकत से आते हैं। आप तो काम भी नहीं करते और कह रहे हैं कि हमें विपक्ष में बिठा देंगे। देखिए, अब ये कहने ना कहने की बातों में तो नहीं जाऊंगा, 5 नगर निगम में जिस तरीके से रिजल्ट आए, बाकी 2 नगर निगम में प्रशासन ने जिस तरीके से, और इनका वोट प्रतिशत 2.5 लाख से नीचे आ चुका है और अभी भी इनकी जो जुबानी है वो खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, आपके जनता सब देख रही है और जनता को सब समझ में आ रहा। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा जो है अभी अवसाद के दौर से गुजर रही है, मतलब ये खुद का अस्तित्व बचाने में लगी है। कुछ ताजा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, ये जिस तरीके से विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार विकास के सभी पैमाने पर, सारे पैमाने पर पूरा चौपट कर चुकी है। और अभी आप देखेंगे बीमारू राज्य की श्रेणी में भी ये नीचे गिर गया है, मध्य प्रदेश का सूचकांक, और जो रिपोर्ट आई है सामने उसमें पूरे तरीके से जो रेटिंग जारी की गई है उसमें 17 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश 13वें नंबर पर है, मतलब पूरे तरीके से इंडेक्स गिरा पड़ा हुआ है। आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से 17 राज्यों में 16वें नंबर पर है। वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन में मध्य प्रदेश 17 राज्यों में 15वें नंबर पर है। सामाजिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश 17 राज्यों में 14वें नंबर पर है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में मध्य प्रदेश 17 राज्यों में 13वें नंबर पर है। पर्यावरण के मामले में मध्य प्रदेश 17 राज्यों में 9वें नंबर पर है। रिपोर्ट से ये अब पूरा क्लियर है सर कि सारे जितने भी बड़े राज्य है ना, ऐसी बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बोलूंगा तो समय नहीं रहेगा, आप देखेंगे कि हम किसी, ये किसी भी वर्ग को, कभी किसी बेरोजगार की बात करते हैं, कभी ओबीसी की बात करने लगते हैं, फिर अचानक एससी की बात करने लगते हैं, अब क्या है ये भटक चुके हैं अंदर खाने पूरे तरीके से। अभी कल तक चल रहा था कि मुख्यमंत्री बदलेगा, प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा, तो अंदर खाने ये खुद अंदर से बिखर चुके हैं, गुटों में बटे हुए हैं, महाराजगुट शिवराजगुट महाराजगुट, ये लेकिन अभिनव जी आप सब लोगों को पता ही है, आपने तमाम आंकड़े गिना दिए, वो कह रहे हैं हम जनता के बीच में है, आप तो जनता के बीच में भी नहीं है सर। जनता के बीच में कौन है कौन नहीं, बौखलाहट सामने दिख रही है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में आपने खुद देखा होगा और हमारे जगह जगह जो उप यात्राएं निकली, चाहे विंध्य क्षेत्र से निकली, चंबल से निकली, भोपाल से निकली, होशंगाबाद से निकली, पूरी ताकत से निकली। इस ताकत के साथ ये लोग बौखला गए, इनको लग रहा है कि हमारा संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनको ये नहीं पता है जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, जनता पूरी ताकत के साथ आ रही है, इसलिए हमारा ये कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने 18 साल में अगर कुछ किया होता तो जनता हमारे साथ नहीं होती, इनके साथ होती, इनको इतनी बातें करने की और विकास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इनने विनाश कर दिया है पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे तरीके से विनाश कर दिया है। और तो ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की बौखलाहट है राजू जी, वो कह रहे हैं बौखलाहट है आपकी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखकर। देखिए, हमारा तो हर चुनाव के पहले हमारी विकास यात्रा निकलती है, हमारा जो घोषणा पत्र होता है उस घोषणा पत्र को पूरा करके रिजल्ट शीट लेकर हम जनता के सामने जाते हैं और हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए मुन्ने भी लाल के सपने देखने वाले अगर सपने देख रहे तो अच्छी बात है, लेकिन जनता को सारी चीजें समझ में आ रही है, जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सारी बोल खुल गई है, जनता को धोखे
अभिनव जी अभिनव जी क्योंकि आप जनता के मुद्दों पर काम नहीं करते। तो जनता के मुद्दों पर काम नहीं करते। दुबे जी को दिखाइए। दुबे जी, विकास यात्राएं तो हमने देखी लगातार निकलती हैं, जब भी चुनाव आते हैं शिवराज जी विकास यात्राएं निकालते हैं। यात्राओं का अपना योगदान भी रहता है, चाहे कांग्रेस की यात्रा देख लें चाहे बीजेपी की यात्रा देख लें। इस यात्रा को आप किस नज़रिए से देखते हैं और इसका 2023 पर कितना इफेक्ट होगा? देखिए, ये चुनाव के पहले जो चार्ज करने की कार्यकर्ताओं को चार्ज करने जनता में अपना माहौल बनाने के लिए यात्राओं का सहारा लिया जाता है। 2018 के पहले भी और चुनाव में भी जन आशीर्वाद यात्राएं निकली जी। तो हो सकता है कि उसी के कारण उनको बहुत कम सीटों से बहुमत से चूक गए, अन्यथा और ज्यादा कमी रह जाती, क्योंकि लगातार सरकार में तो एंटी इनकम्बेंसी पनपती है। अभी जो लगातार सर्वे हुए हैं भाजपा कांग्रेस के, वो दोनों दलों को रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि 2018 के परिणाम ऐसे हैं कि दोनों ही दलों को उम्मीदें हैं। और क्योंकि कांग्रेस ये समझ रही कि हम सरकार में आ सकते हैं, जब 18 में आ गए तो फिर आ सकते हैं, और भाजपा ये समझ रही कि हमारी थोड़ी सी चूक हो गई टिकट वितरण में या मैनेजमेंट में, जिसके कारण हम सरकार से चूक गए थे, उसको दुरुस्त कर लेंगे तो 23 में हम ही सरकार में आएंगे। और नगरी निकाय पंचायती राज चुनाव के परिणाम भी कुछ ऐसे ही है कि दोनों दलों की उम्मीदें बरकरार है। तो अब बिल्कुल नया साल है, बिल्कुल जो चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, तो उसमें दोनों दल अपने अपने हिसाब से ही ऐसी रणनीति बना रहे हैं। भाजपा ने यात्राओं से बहुत सफलता प्राप्त की है, शून्य से शिखर तक पहुंची, चाहे वो राम रथ यात्रा हो, चाहे स्वराज यात्रा हो, बहुत सारी यात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर निकली, प्रदेश में तो हर साल निकलती है। तो ये इसी तारतम्य में फिर से यात्रा शुरू हो रही है, और इस बार मंत्रियों को और विधायकों को विधानसभा क्षेत्रवार अपने अपने क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन करने, और जो योजनाएं लाभार्थी एक तरह से जो 20 सालों की सरकार होने जा रही भाजपा की, उसमें जो लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं के, उनको एक तरह से सम्मेलन बुलाना और उनको एक तरह से जताना कि हमने आपके लिए किया है, जिससे कि एक वातावरण बन सके। क्योंकि अभी सर्वे रिपोर्टें जो आ रही हैं वो बहुमत के लायक आंकड़े नहीं छुपा रही है भाजपा उन विधायकों का। तो इन विकास यात्राओं के बाद एक बार फिर सर्वे होगा, और यदि इन्होंने स्थिति अपनी नहीं सुधारी तो फिर इन लोगों के टिकट कटेंगे, जिनके भी खिलाफ एंटी इनकम में से, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो। तो एक ये तो बीजेपी की रणनीति हो गई दुबे जी। अब कांग्रेस क्या करे इस यात्रा की काट में? यदि वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बौखलाहट में ये यात्रा निकाली जा रही है, तो वो तो एक तरह से उनकी काट के लिए निकाली, उन्हीं की बातों में माने, उन्हीं के शब्दों में कहें, अब विकास यात्राओं का क्या तोड़ है कांग्रेस के पास? देखिए, कांग्रेस अलग तरह की पार्टी है, बीजेपी से संगठन स्तर पर, सत्ता के स्तर पर वो मुकाबला कहाँ करेगी। वो तो जो 2018 में उनको सफलता मिली, 6 महीने उन्होंने जो रणनीति बनाई विभिन्न समाजों की बैठकें की पीसीसी में, और उन्होंने एक तरह प्रत्याशी चयन पर पूरा फोकस किया था, यही रणनीति उन्होंने नगरी निकाय चुनाव में भी बनाई, ना कोई ज्यादा बैठ के ना समाए। आपने वो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बयान भी एक बार हमने चर्चा भी की थी, उन्होंने कहा मेरी कोई रुचि नहीं है। इसके बावजूद वो 5 नगर निगम जीत गए थे, तो उनकी रणनीति अलग है, उनको केवल प्रत्याशी चयन पर ज्यादा फोकस करना है और जाति समीकरणों पर। और भाजपा अपने कैडर को लगातार मजबूत करती रहती, क्योंकि उसे 23 ही नहीं उसके 24 की चिंता ज्यादा है, और राष्ट्रीय नेतृत्व है जो पूरा जो फोकस किए है वो 24 के लोकसभा चुनाव भी है। तो इस कारण भाजपा को तो उन्हें तो अभी भी टारगेट दिया है 9 राज्यों में चुनाव होंगे, क्लीन स्वीप करना है वहां पे। तो राजो जी, आपकी हालत ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करने के लिए ये यात्राएं निकाली जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जो माहौल बना कांग्रेस का, उसके कारण भी आपको ये यात्रा निकालनी पड़ रही है। सर्वे कुछ गलत हो गया आप, हमारी हालत तो लगातार काम कर रहे हैं, और ये यात्रा भारत जोड़ो के बाद पहली बार निकल रही होती तो शायद मैं आपकी बात का समर्थन कर देती, लेकिन तो हम तो हर चुनाव में अपनी रिजल्ट शीट जो हमने काम किया उसको लेकर जनता के सामने जानते हैं, और हम वही क्रम है, और इस बार हम विकास यात्रा उसी बात को लेकर के कर रहे हैं। अभी एक आपके ही साथी कोई कह रहे थे कि रविदास जयंती पर इसलिए निकाल रहे कि एक बार को लुभाना चाहते, बिल्कुल नहीं, रविदास जी पूरे समाज के, पूरे राष्ट्र के संत हैं, और उन्हें सारा समाज मानता है, और भारतीय जनता पार्टी तो हर वर्ष रविदास जयंती पर कार्यक्रम करती है,
इसलिए हम चुनाव को लेकर के हमारा कोई इलेक्शन टूरिज्म नहीं होता, हमारा कोई इलेक्शन को लेकर के ही कोई इवेंट नहीं होता, हमारे कार्यक्रम लगातार पांचों वर्ष चलते रहते हैं। लेकिन दुबे जी कह रहे हैं कि उन्होंने 6 महीने पहले रणनीति बनाई थी, तो आपको 2018 में सत्ता से बाहर कर दिया था 15 माह के लिए। अब तो लगातार कमलनाथ जी रणनीति बना रहे हैं, लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, तो ज्यादा संकट खड़ा कर सकते हैं। देखिए, सरकार से बाहर हमको कर दिया था, उसका भी अगर आपने विश्लेषण स्वयं आपने किया था कि हमको वोट ज्यादा मिला, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा था। हाँ, सीटों के मामले में किसी में कोई 100 वोट से जीत गया हो, किसी में कोई 500 से जीत गया, उसके कारण वो सीटों का समीकरण बदला था। लेकिन इस चुनाव में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी कमस कस के तैयार है और कांग्रेस की हर चुनौती का सामना और हर बात का जवाब देने के लिए हम तैयार है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हमने जनता के लिए लगातार काम किया है। तो अभिनव जी, 2018 में भी आप पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाए थे, उतनी दमदारी से नहीं आ पाए थे, 15 साल की यदि एंटी इनकम्बेंसी भी देखी जाए। अब तो 15 माह का आपका कार्यकाल भी सामने है, जनता उसको भी देखेगी, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि इस बार पटकनी दे देंगे? जी ब्रजेश जी, आज आपके अनादित चैनल से यही कहना चाहूंगा कि 2023 में हमने बोला ना, हमने इतनी ताकत से और हमारे साथ जनता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और ये सरकार होती है ना, 4,000-2,500 से ये लोग जीत जाते हैं, फिर कहते हैं वोट ज्यादा है। आपको हर विधानसभा सीट पे हमारी जो बढ़त होगी वो 20,000 से ऊपर दिखेगी। मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं है हमारा, क्योंकि जनता का जो भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है ना, और कमलनाथ जी को जिस तरीके से जनता एक्सेप्ट कर रही है हर जगह, आप देखेंगे जहां जहां जनसभा में लोग ओवर पड़ रहे हैं, वो हमारा इवेंट नहीं है, इनके इवेंट में तो लोग भाग पड़ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे व्यवस्था। मतलब आप प्रवासी में पूरी दुनिया में जिस तरीके से हमारी जिस तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, उसके बारे में तो हमने नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जनता भली भांति समझ चुकी है कि भाजपा से हमें बाहर निकलना है। ये हिमाचल प्रदेश से प्रूव कर दिया है, जहाँ 98% हिंदू है, तो राजा जी आपको तो सिर्फ 50 सीटें दे रहे हैं, वो 50 सीटें आ जाएं आपकी, वो भी दुआ कर रहे हैं कि आ जाए तो कम से कम मजबूत विपक्ष रहेगा। मजबूत तो कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं 15 महीने की उपलब्धि बताने के लिए, कोई उपलब्धि हो तो ना बताएं। और महिलाओं का तो लगातार राजू जी, अगर मैं बोलने बैठ गया ना तो आप सुन नहीं पाओगे, ब्रजेश जी जानते हैं मैं आंकड़ों के साथ बैठता हूँ। एक डिबेट करवाया था और उस डिबेट में ये था कि बहने जाकर के कांग्रेस की बहने घर घर बताएंगी। मेरे पास घोटाले की लिस्टें हैं, हर विभाग के घोटाले हैं मेरे पास, तो जाने दीजिए उनकी बात। इतने घोटाले कर रहे हैं, वैसे बड़ी धीमी आ रही है भाजपा की सरकार ने, जनता को समझ चुकी है और हम पूरी जनता को बता चुके और जनता को भी सब समझ में आ गया है। मैदान में भी आपकी चुनौती स्वीकार। अभिनव जी आवाज तो मत दबाइए, अभी तो वो सत्ता में है, विपक्ष ने आवाज दबा दी आपकी, आ नहीं रही राजू जी। अरे सर, हम तो चाहते हैं लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। हम तो आ जाने दीजिए, बराबर से आवाज आने दीजिए, सबको अच्छा लगेगा। ऐसा ऐसी स्थिति में 15 सीटें आ रही, मुश्किल है भाजपा की, 15 सीटें आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जनता उनका जवाब देगी, भारतीय जनता पार्टी को उनका जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, जनता ही उनका जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। जनता दौड़ा दौड़ा कर भगा रही है और जनता को गाली बक रहे हैं इनके केंद्रीय मंत्री, कैसे गाली बक रहे थे बताइए ब्रजेश जी, इनको केंद्रीय मंत्री कैसे गाली बक रहे थे। आज तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है मध्य प्रदेश, वो कह रहे हैं अभी हालत ये हो गई कि गालियां देने पड़ रही हैं आपके मंत्रियों को, गाली दे रहे हैं अब तो। ठीक दुबे जी, ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास है या जो आपने पहले कहा था उम्मीदों से भरे हुए हैं दोनों दल, इसलिए जोश ज्यादा दिख रहा है?
बिल्कुल, वो तो मैंने जो बार बार मैं कह रहा हूँ, 2018 के परिणाम कुछ ऐसे आए और बीच में ये पंचायती और नगरी निकाय के किसी की उम्मीद टूट नहीं रही है, दोनों उम्मीदों में है और दोनों समीक्षा अपनी कर चुके हैं। एक लगता है कि हम और जोर लगाएंगे तो फिर से आ जाएंगे, और दूसरा कहता है कि हमने जो कमियां छोड़ी थी वो यदि हम दूर कर लेंगे तो हम ही सत्ता में आएंगे। इस कारण अब दोनों दल डू एंड डाई की स्थिति में चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। और मैं ब्रजेश जी आपसे फिर कहूंगा कि 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बड़ा अभूतपूर्व होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमलनाथ के लिए अंतिम जैसा चुनाव है उनके लिए, उनकी उम्र को देखते हुए, उनके जो राजनीतिक पूरा करियर, और इस दिल्ली में किसी के लिए अभी कोई जगह है नहीं, मध्य प्रदेश में सभी के लिए जगह है। और भाजपा को भी यदि 1.5 साल कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इतनी एनर्जी ले सकती है कि वो 3.5 साल से संघर्ष कर रही है, तो यदि वो एक बार और सत्ता में आ गई तो वह भाजपा के लिए मुश्किलें हमेशा चुनाव में पैदा होंगी। इस कारण दोनों दल की जो रणनीति है कि हमें और केवल हमें सरकार में आना है, और इसी कारण आप देखना कि बेहतर प्रत्याशी आपको मैदान में मिलेंगे, बेहतर रणनीति मिलेगी, बूथ मैनेजमेंट मिलेगा, और जो बयानों के तीर तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे पर छींटा कसी और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए, ये और ज्यादा बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि जो दोनों ही दलों में जनाधार वाले नेता हैं, जिनके जनता के बीच छवि है, जिनकी कुछ वोट जुगाड़ने की क्षमता है, उनको महत्व मिलेगा, उनको अभी जो दोनों जगह जमावट होना है उनको अग्रिम पंक्ति में लाया जाएगा, और बड़ा जोरदार का चुनाव होने वाला है। और राहुल गांधी जिस तरीके से कह चुके कि हम लिख के दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनेगी, और भाजपा और संघ के सब नेता इस बात पर फोकस बनाएंगे कि मध्य प्रदेश तो उनका दूसरा नागपुर जैसा उप संघ का मुख्यालय बन चुका है, भाजपा का गढ़ है, प्रदेश का हृदय स्थल है, हमें ही सरकार में आना है। मोदी और शाह और नड्डा गडकरी के जिस तरह से आपने देखोगे पिछले महीनों में दौरे अभी और बढ़ेंगे, और बहुत अलग किस्म का चुनाव होगा। लेकिन आप कह रहे हैं दुबे जी बड़ा अलग किस्म का चुनाव होगा, एक के पास ना संगठन है ना सब प्रभावी चमत्कारिक नेतृत्व है, तो फिर किस बात से इतनी उम्मीद है, सिर्फ 2018? या वाकई में कांग्रेस ने अपना संगठन इतना मजबूत कर लिया? बार बार कमलनाथ जी कहते हैं कि हमें बीजेपी के संगठन से लड़ना है, तो संगठन कांग्रेस इतना मजबूत कर चुकी है जो वो चुनौती दे रही है? नहीं, आप देखिए कई बार बहुत सारी चीजें होती है चुनाव को, एक संगठन से, हवा से, नेतृत्व से, वो तो क्रिकेट जैसा है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ जब अच्छा हो तो। अभी आप देखें कि मैंने पहले ही कहा था, नगरी निकाय चुनाव में कांग्रेस ने कौन सी मशक्कत की थी, कमलनाथ तो क्या कह रहे थे हमारी रुचि नहीं है इन चुनाव में, इसके बावजूद वो 5 नगर निगम जीत गए, जबकि भाजपा पिछली बार 16 पे जीती हुई थी, और अब तो रुचि ले रहे हैं वो। हाँ, जब कांग्रेस 10 साल के बाद 2003 में चुनाव में गई थी तो 38 सीटों पर सिमट गई थी, इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन भाजपा इतनी जो मेहनत कर रही, संगठन कर रही, इसी कारण तो वो 2018 में सरकार से भले बाहर हुई लेकिन उसने वोट प्रतिशत अपना बनाए रखा, और अभी भी वो कर रही है मेहनत। तो ये क्या है, यदि कांग्रेस इस जगह होती तो क्या स्थिति होती, आप ये समझो। तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विपक्षी दल को मिलता ही है, वो कांग्रेस को मिल रहा है अभी, लेकिन बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होगा, आप इस बात को मानकर चलिए। मैं जो अभी कुछ दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में घूमा हूँ, चुनाव में घूमा हूँ, बड़ा गजब का वो है, कसमाकस है मतदाताओं के बीच भी। तो चुनाव तो दिलचस्प होंगे, ये तो जो तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह से तरकसों से तीर छोड़े जा रहे हैं वही सब बता रहे हैं। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2023 के चुनाव में यात्राएं भी निकलेंगी, तीर भी छोड़े जाएंगे, बाण भी छोड़े जाएंगे और बिसेले भी होंगे, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। लेकिन जो दुबे जी ने कहा, चुनाव दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों ही दल उम्मीदों से भरे हैं। 2018 में जिस तरह से मुकाबला हुआ था, एक दल सत्ता में 15 साल बाद वापसी कर पाया था, और हालांकि बाद में 15 माह बाद सत्ता से बेदखल हो गए, तो दूसरा दल कुछ कमियां रहने की वजह से इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो पाई प्रदेश में कि वो सत्ता में ना आ सके, इसलिए वो अपनी कमियां दूर करने में लगा हुआ है। तो दोनों ही दल मेहनत कर रहे हैं, एक संगठन को मजबूत कर रहा है और एक अपनी गलतियों से सबक लेते हुए फिर जनता के बीच में। देखना होगा किसकी बात जनता तक पहुंचती है और किसके इरादों पर, किसके लक्ष्य पर जनता मोहर लगाती है। बहरहाल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।